देखिए, भारत निर्माण जन सूचना अभियान जो है वो एक ऐसा कार्यक्रम है सूचना और प्रसारण मंत्रालय का, जिसके माध्यम से लोगों के बीच जा करके उनको भारत सरकार की जो स्कीमें हैं, जो कल्याण नीतियां हैं, उनके बारे में बताया जाता है, जागरूक किया जाता है। तो इस सारे आयोजन में अलग अलग तरह से इन लोगों को जागरूक किया जाएगा, जिसमें एक जो एक ही छत के तले बहुत सारी प्रदर्शनियां लगाई जाएंगी, जिसमें 30 से ऊपर विभाग भाग ले रहे हैं। और इसके अलावा जो वहाँ पे एक मंच बनाया गया है, उससे जो हमारे विशेषज्ञ हैं अलग अलग विषयों पर लोगों से चर्चा करेंगे और उनकी प्रतिक्रियाएं भी ली जाएंगी, ताकि इन नीतियों की जो प्रतिक्रियाएं और फीडबैक है वो हम गवर्नमेंट तक बाद में पहुंचा सकें। और इसके साथ ही जो प्रदर्शनी एक DAVP विभाग की, जिसमें विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय की तरफ से, इसमें 16 फ्लैगशिप स्कीम्स को कवर किया जा रहा है। भारत निर्माण के 6 घटकों के अलावा ये 16 फ्लैगशिप प्रोग्राम चित्रों के माध्यम से दिखाए जाएंगे। और एक वहाँ पर हम प्रतियोगिता भी रख रहे हैं आम लोगों के लिए, अलग अलग जो थीम्स 3 दिन के हैं उनके आधार पर हम महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए और आम लोगों के लिए ये प्रतियोगिता खोलेंगे। और तो हमारी कोशिश होगी कि इन जो हमारा मेला है, इसके माध्यम से लोगों का खूब मनोरंजन भी हो सके। गीत एवं नाटक प्रभाग के हमारे कलाकार हैं, जो वो मंच पर 3 दिन अपने रंगारंग कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को जागरूक भी करेंगे और साथ ही साथ उनका मनोरंजन भी करेंगे। और जैसा कि अभी पहले भी बताया जा रहा था कि बेबी शो का भी एक आयोजन किया जाएगा अंतिम दिन में, जिसमें जो बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में जागरूक के करने के उद्देश्य से उनको, बच्चों को कुछ पुरस्कृत भी किया जाएगा और साथ ही उनके स्वास्थ्य लाभ के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। ये जो भारत निर्माण जन सूचना अभियान है, ये सिरसा के पुलिस लाइन मैदान में 24 से 26 फरवरी तक आयोजित किया जा रहा है। भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के विभागों द्वारा ये है, और इसमें नोडल डिपार्टमेंट आता है प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, बाकी जो हमारे 5 और डिपार्टमेंट है दे आर ऑल्सो, वो भी इसके साथ में हमारे शिरकत करते हैं। इसमें राज्य सरकार का और जिला प्रशासन का पूरा सहयोग रहता है, क्योंकि वो है वही वो डिपार्टमेंट है जो कि सरकार की स्कीमों को लागू करते हैं। मुख्य उद्देश्य ये है कि लोगों को जानकारी दे करके उनको जानकारी के द्वारा अवेयर करें और उनको ज़्यादा एम्पावर करें, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। जानकारी से जागरूकता लेके आने का इसका मेन पर्पज़ है। और ये जो स्कीम है भारत सरकार के मीडिया आउटरीच प्रोग्राम के तहत शुरू करी गई थी 2006 में, तो अब तक हरियाणा में 16 ऐसे अभियान किए जा चुके हैं, सरसा में ये दूसरा है। शुरू के वक्त में ही जब ये अभियान शुरू किया गया 2006 में, तो सरसा उन चंद शुरुआत वाले क्षेत्रों में था जहाँ पे ये अभियान किया गया था। अब यहाँ पे ये दूसरा अभियान किया जा रहा है। और जो 3 दिन का हमारा प्रोग्राम है, पहले दिन में डेवलपमेंट फोकस में रहेगा, दूसरे दिन में शिक्षा का को मुख्यतः हैंडल किया जाएगा, और तीसरे दिन में शिशु एवं स्त्री हेल्थ, उसके बारे में हम फोकस करेंगे।